नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल शर्मा और आप हैं बॉलीवुड लाइफ हिंदी पर। और आज मेरे साथ हैं जाने माने कलाकार राजकुमार राव साहब। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीवुड लाइफ पर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जैसा कि हमें पता, सर मत बोलिए, ओके राजकुमार, जैसा कि हम लोगों को पता है कि बालाजी का नया ये LT जो ऐप आने वाला है, यहाँ पे हम लोग को नए नए जो प्रोग्राम वो देखने को मिलेंगे। इसके साथ इसमें आपका भी एक नया शो आ रहा है हंसल मेहता सर के साथ, उसके बारे में हमें थोड़ा सा कुछ बताइए। जी, हम लोग ये सीरीज़ बना रहे हैं पहली बार। मैं पहली बार सीरीज़ में किसी में काम कर रहा हूँ। ये सुभाष चंद्र बोस की लाइफ पे है और एकता प्रोड्यूस कर रही है, जैसे आपने बताया ऑल टैप में ये आएगा। और बहुत ही बड़े लेवल पे हम लोग इसको कोशिश कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं बनाने का। और बोस की लाइफ हम सब जानते हैं बोस के बारे में, पर ऐसी बहुत सी बातें जो शायद हम सब नहीं जानते हैं, स्पेशली जो उनकी एक मिस्टीरियस एक डिसअपीयरेंस था 1945 प्लेन क्रैश में। बहुत सारी थ्योरीज हैं अलग अलग कि वो शायद उनकी डेथ हो गई थी, शायद उनकी डेथ नहीं हुई थी। तो ये सब बातें हैं जो हम एक्सप्लोर करेंगे। उसके अलावा उनकी लाइफ जो बचपन से कॉलेज से और जहाँ तक वो 1945 तक क्या क्या हुआ, वो सब हम एक्सप्लोर करेंगे। सो राजकुमार, जैसा कि हम लोगों को पता चल गया कि आप ये सुभाष चंद्र बोस के ऊपर शो लेकर आ रहे हैं, लेकिन इसका रिसर्च जो है वो किस तरह से आप कर रहे हैं और हंसल सर किस तरह से आप जो है क्रिएटिव प्रोसेस में आप लोग किस तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं? हमारी स्क्रिप्ट जो है अपने आप में काफ़ी थॉरली रिसर्च है। रेशु उन्होंने जो हमें राइटर उन्होंने लिखी है। और उसके अलावा मैं पर्सनली आई बीन रीडिंग लॉट ऑफ बुक्स ऑन बोस इज लाइफ, वॉचिंग लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज एंड हियरिंग लॉट ऑफ स्पीचेज। उसके अलावा लैंग्वेज है बंगाली जो मैं सीख रहा हूँ, जो शुरुआत हो गई है। फिर एक लुक है उनका जो हमें अचीव करना है, जो हम आई एम राइट नाउ शूटिंग फॉर समथिंग। द मोमेंट आई एम डन विद दैट तो मैं उस लुक में चला जाऊँगा। तो जो ये शो है इसकी शूटिंग कब से शुरू हुई? हम लोग 10th में से शूट शुरू करने वाले हैं। और ये लोगों को कब तक देखने को? हमारी कोशिश है कि इंडिपेंडेंस डे पे हम इस शो के साथ आएँ। सो एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि जो पूरा सेटअप है उसमें बालाजी का जो है उनकी क्रिएटिव टीम का कितना इन्वॉल्वमेंट है, आप लोगों का जो क्रिएटिव है उसमें दोनों लोगों का किस तरह? आई थिंक इट्स अ टीम वर्क, हम सब लोग मिलकर इस शो को बना रहे हैं। और एकता का भी अपना क्रिएटिव इनपुट है और उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तो हम सब जानते हैं, वो शी इज़ द क्वीन ऑफ आई थिंक मार्केटिंग हर शोज़ एंड हर फिल्म्स। तो आई थिंक वी आर इन वेरी सेफ हैंड्स। सो आखिरी क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता हूँ वो ये कि जैसा कि हमने देखा इस ऐप में जो है वो हर तरह के शोज़ हैं, सोसाइटी के हर जो बंच है उसके लिए एक तरह का शो है। तो आपको क्या लगता है कि जो नया तरह का सोशल मीडिया पे जो एक इन्वॉल्वमेंट एक रिवोल्यूशन टाइप का हो रहा है उसमें आने वाले टाइम में अभी जो फिल्म मेकर्स को फ़ायदा हो रहा है उसमें कितना इजाफा आप देखते हैं आने वाले टाइम में उसको लेकर? बहुत अच्छा है, आई थिंक बहुत ज़्यादा इजाफा होगा क्योंकि वेब सीरीज़ है तो कोई बंदिश नहीं है। आप कितने लोग हैं जो मैं देखता हूँ यूट्यूब पर अपनी शॉर्ट्स बना के डालते रहते हैं। तो आई थिंक अभी ऐप है और इतने सारे शोज़ बन रहे हैं तो आई थिंक सब किसी को एक तो बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको काम मिल रहा है। मैंने देखा अभी कुछ नए शोज़ के तो इतने सारे एक्टर्स को मैंने देखा जो नए चेहरे मैंने देखे और जो बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं। और एज आई थिंक क्रिएटिवली भी आप बहुत इन्वॉल्व हो सकते हैं क्योंकि कोई सेंसरशिप का डर नहीं है आपको, तो आप अपनी बात को आर्टिस्टिकली जितना कहना चाहते हैं कह सकते हैं बिना किसी डर के। एक सवाल हंसल सर के लिए मिलके भी, क्योंकि उनके साथ आपका कोलेब्रेशन बहुत लंबा, हम कहेंगे अभी तक के जो नई जनरेशन के स्टार्स हैं उनके बारे में, उनके देखते हुए आपका हंसल सर के साथ बहुत लंबा है किसी भी डायरेक्टर का, तो उसके बारे में कुछ कैसा एक्सपीरियंस? आई फील वेरी फॉर्चुनेट यार कि ये एसोसिएशन है। आई थिंक एज एन एक्टर मैं तो यही चाहता हूँ कि एक डायरेक्टर्स मुझे मिले ऐसी जिंदगी में जिनके साथ ऐसा लंबा एसोसिएशन बने। मुझे हंसल सर मिल गए हैं तो आई फील वेरी लकी। और हम लोग जिस तरह की कहानियाँ कहना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं सेम है, जिस तरह से कहना चाहते हैं वो हमारी थिंकिंग सेम है। एक बहुत ही कमाल की अंडरस्टैंडिंग है हमारे बीच। आखिर में कुछ यूजर्स फॉर अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे शो के और आने वाली फिल्मों के लिए भी जो आपकी लाइनअप है उनके लिए? हाँ, इस साल कुछ एक्चुअली 3-4 फिल्म जो आने वाली हैं, बरेली की बर्फी है, बहनों की तेरी है, एंड देयर इज न्यूटन एंड ओमेटा विद हंसल सर अगेन। तो मैं यही चाहूँगा कि आप सब लोग बस इस साल मुझे अपना बहुत प्यार दीजिए, जो फिल्म आ रही है जाके ज़रूर देखिए। थैंक यू सर हम लोग के साथ बात करने के लिए। थैंक यू।